वेलकम मित्रों, आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर मात्र एक या दो शब्दों में या फिर ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस में ही दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इंटरव्यू में क्लाइंट आपसे पूछता है कि स्लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आप जवाब एक शब्द में दे सकते हैं, स्लिंग तीन प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार अन्य बहुत सवालों का जवाब आप आराम से एक या दो शब्दों में दे सकते हैं। मित्रों, इसी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के दो दो उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है। आपको सही ट्रू आंसर पर निशान लगाना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। मित्रों, इस प्रकार के अभ्यास करने से आपको इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगा। तो चले मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से मित्रों, स्लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ए 5 प्रकार के, बी 3 प्रकार के। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों, स्लिंग 3 प्रकार के होते हैं। तो सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकल के कितने प्रकार हैं? ए 2 प्रकार है, बी 4 प्रकार है। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शकल 2 प्रकार के हैं, बी शकल और वो शकल। अगला क्वेश्चन है मित्रों, जब लोड उठाने के लिए किसी शकल में 2 स्लिंग का प्रयोग करना हो तो कौन शकल का प्रयोग करते हैं, अर्थात किस प्रकार के शकल का प्रयोग करते हैं जब 2 स्लिंग यूज करना हो? ए ऑप्शन है मित्रों वो शकल, बी ऑप्शन है बी शकल। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। इस क्वेश्चन का जवाब है मित्रों ऑप्शन ए, यानी कि वो शकल। वो शकल में डबल स्लिंग का उपयोग होता है, बी शकल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वायर रोप स्लिंग का लोड कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला है मित्रों? ए 7D², बी 8D². 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन बी 8D², जहां डी स्लिंग की मोटाई है, डायमीटर है, और वो भी एमएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्लिंग के लोड कैपेसिटी पता किया जाता है ए उसका टैग देखकर, बी उसको तौलकर। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का जवाब है मित्रों ऑप्शन ए, उसका टैग देखकर उसका लोड कैपेसिटी हम लोग पता कर लेते हैं। मित्रों, आप सबसे आग्रह है, यदि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो अपने अन्य मित्रों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब स्लिंग का लोड कैपेसिटी क्या देखकर पता करते हैं? ए वेब स्लिंग का मोटाई देखकर, बी वेब स्लिंग पर सिलाई की संख्या देखकर। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। इस क्वेश्चन का जवाब है मित्रों ऑप्शन बी, अर्थात वेब स्लिंग पर धागों की सिलाई संख्या देखकर वेब स्लिंग का लोड कैपेसिटी पता कर लेते हैं। जितनी सिलाई संख्या होगी मित्रों उतने
टन कैपेसिटी वाला वह बेल्ट होता है। जैसे दो सिलाई है तो दो टन का बेल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, रिगर कितने प्रकार के होते हैं? ए 5 प्रकार के, बी 3 प्रकार के। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। रिगर 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLL का फुल फॉर्म होता है ए वर्कलोड लिमिट, बी वर्क लाइन लिमिट। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, वर्कलोड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWL का फुल फॉर्म क्या होता है? ए शिफ्ट वर्क लाइन, बी सेफ वर्किंग लोड। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, सेफ वर्किंग लोड SWL का फुल फॉर्म होता है। मित्रों WLL और SWL एक ही मीनिंग है, अंतर इतना है कि SWL पुराना नाम है और WLL नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टन कैपेसिटी वाला वेब सीलिंग का क्या कलर कोड होता है? ए रेड होता है, बी वायलेट होता है। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, यानी कि वायलेट होता है एक टन कैपेसिटी वाला बेल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टन वाले वेब सीलिंग का कलर कोड क्या होता है? ए ब्लैक, बी ग्रीन। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, यानी कि 2 टन वाले बेल्ट का कलर कोड ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टन वाले वेब सीलिंग का कलर कोड क्या होता है? ए येलो, बी इंडिगो। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, यानी कि येलो होता है। 3 टन वाले वेब सीलिंग का कलर कोड येलो होता है। मित्रों आपसे निवेदन है कि इस प्रकार मल्टीपल च्वाइस वीडियो आपको उपयोगी लगता है या नहीं, समय हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।